जैसा कि आप सब थंबनेल में देख लिए, ऑक्टा अकाउंट बनाना सीखें, अकाउंट वेरीफाई करना सीखें, वो भी मोबाइल से। आज के इस वीडियो में मैं आज आप लोगों को बताना रहा हूँ कि अगर आप जाकर ऑक्टा में अकाउंट बनाना चाहते हैं तो आप अकाउंट कैसे बना सकते हैं, अपने अकाउंट को वेरीफाई कैसे कर सकते हैं, मतलब आईडी वेरीफाई कैसे कर सकते हैं, सब कुछ पूरी कंप्लीट जानकारी देने वाला, वो भी लाइव। चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल भी न्यू आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे आने वाली और भी नई नई वीडियो आप लोगों को हमेशा देखने को मिल सके। साथ ही साथ आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं हमारा टेलीग्राम चैनल टेक्निकल लाइट टिप्स, जो भी ट्रेनिंग की नई नई अपडेट रहता है हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलता रहता है। और मैं ऑक्टा का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में कमेंट में दे दिया हूँ, लिंक से अपना चैनल साइनअप कर सकते हैं अगर आप एक यूजर हैं, चाहे तो QR कोड स्कैन कर साइनअप कर सकते हैं अगर आप एक यूजर हैं। तो चलते हैं, बात करते हैं कि आप ऑक्टा में अकाउंट कैसे बना सकते हैं, अपने अकाउंट को कैसे वेरीफाई कर सकते हैं। तो जैसे लिंक पर क्लिक कर अपना ऑक्टा में सब ओपन कर लेंगे तो आप सभी के सामने ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आप सभी को दिखाई देगा साइनअप करने का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पे साइनअप करना बहुत ही ईजी है। यहाँ अपना ईमेल आईडी डाल दीजिएगा, पासवर्ड डाल लीजिएगा, नीचे दिखा देगा टर्म एंड कंडीशन आई एग्री कर लीजिएगा। आई एग्री करने के बाद नीचे दिखा देगा साइनअप, साइनअप पर अपना क्लिक कर दीजिएगा। साइनअप पर अपना क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे आप सभी दिखाई देगा कैप्चा वेरीफाई करने का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पे कैप्चा अपना वेरीफाई कर लीजिएगा। कैप्चा वेरीफाई करने के बाद यहाँ पे आप सभी कुछ बिकन जो नहीं है, आपका जो अकाउंट है वो बन के रेडी हो जाएगा। और यहाँ पे आप सभी को शो होगा चेक योर ईमेल, अपना ईमेल चेक कर लीजिएगा, अपना ईमेल आईडी वेरीफाई कर लीजिएगा। ईमेल आईडी वेरीफाई करने के बाद यहाँ पे आप सभी को दिखाई देगा तीन स्टेप में यहाँ पे आप सभी को अपने अकाउंट को वेरीफाई करना होता है। यहाँ पे आप सभी दे सकते हैं प्रोवाइड योर डिटेल्स, यहाँ पे आप सभी को अपना डिटेल देना है जो कि यहाँ पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम, जिस कंट्री से आप अपना कंट्री चूज कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आप सभी को अपना डालना है मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ पे आप सभी से पूछा जाएगा डू यू हैव एक्सपीरियंस इन ट्रेडिंग। अगर आपको ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस है तो यस करिए, नहीं तो नो करिए और कंटिन्यू अपना क्लिक कर दीजिएगा। तो मैं यहाँ अपना पूरा डिटेल पहले भर देता हूँ। भरने के बाद यहाँ पे आप सभी को बिकन जो नहीं है, नीचे यहाँ पे आप सभी दिखा देगा कंटिन्यू, कंटिन्यू अपना क्लिक कर दीजिएगा। कंटिन्यू पे से अपना क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे आप सभी दिखा देगा क्रिएट योर फर्स्ट ट्रेडिंग अकाउंट, अपना ट्रेडिंग अकाउंट पहले बनाइए। ठीक है, आप यहाँ पे स्टैंडर्ड बनाना चाहते हैं तो कस्टमाइज यहाँ अपना कर सकते हैं। मैं तो यहाँ पे स्टैंडर्ड से ही स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, अपना स्टैंडर्ड अपना क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने वाले यहाँ पे आसर कुछ भी क्रेडिट नहीं है, बस यहाँ पे आप देख सकते हैं थर्ड में यहाँ पे आसर दिखाई देगा डिपॉजिट, यहाँ पे आप डायरेक्ट अपना मनी डिपॉजिट कर सकते हैं, नहीं तो व्यू डैशबोर्ड अपना क्लिक कर सकते हैं। आप यहाँ पे इस पर अपना क्लिक कर देंगे, आपका ऑक्टाफेस अकाउंट बन के रेडी हो जाएगा, जो कि आप सब देख सकते हैं मेरा यहाँ पे ऑक्टाफेस अकाउंट बन के रेडी हो गया है। अकाउंट बनने के बाद यहाँ पे आप सभी कुछ भी करने जो नहीं है, यहाँ पे आप सभी दिखाई देगा मनी डिपॉजिट करने का ऑप्शन दिखाई देगा, मनी विड्रॉ करने का ऑप्शन दिखाई देगा, और नीचे यहाँ पे आप सभी दिखाई देगा ट्रेडिंग करने का ऑप्शन दिखाई देगा। तो यहाँ पे सबसे पहले ट्रेडिंग करने से पहले यहाँ पे आप लोग जाना है अपना अकाउंट वेरीफाई करना है। अकाउंट वेरीफाई करना बहुत ईजी है। यहाँ पे आप सभी ऊपर दिखाई देगा सेटिंग, सेटिंग पे सब क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे आप सभी दिखाई देगा यू डिटेल, इस पर अपना क्लिक कर दीजिएगा। यू डिटेल पे सब क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे आप सभी दिखाई देगा योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे आपका पूरा इन्फॉर्मेशन दिखाई देगा। और नीचे यहाँ पे आप सभी दिखाई देगा वेरिफिकेशन स्टेटस नॉट वेरीफाई, मेरा यहाँ पे अकाउंट वेरीफाई नहीं है तो मैं यहाँ अपना अकाउंट वेरीफाई कर लेता हूँ। वेरीफाई करने के लिए क्या करना है, यहाँ पे आप सभी दिखाई देगा गेट वेरीफाई, इस पर अपना क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने वाले यहाँ पे आप सभी दिखाई देगा अपलोड योर आईडी, यहाँ पे आप सभी दिखाई देगा सिलेक्ट योर आईडी टाइप, आप किस टाइप का आईडी यहाँ पे अपलोड करना चाहते हैं। यहाँ पे आधार कार्ड दिया गया है, ड्राइविंग लाइसेंस दिया गया है, पासपोर्ट दिया गया है, और यहाँ पे रेसिडेंस दिया गया है, जो भी अपना समझ में आता है, जो भी आपके पास है वो अपना अपलोड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आधार अपलोड करूंगा तो यहाँ पे अपना आधार चूज कर लीजिएगा। करने के बाद यहाँ पे आप सभी को नीचे दिखाई देगा फ्रंट साइज, आपको फ्रंट फोटो अपलोड करना है तो मैं अपना फ्रंट फोटो अपना अपलोड कर देता हूँ। अपलोड करने के बाद यहाँ पे आप सभी दिखाई देगा बैक साइड फोटो अपलोड करने का ऑप्शन दिखाई देगा, तो मैं अपना बैक साइड अपना फोटो अपलोड कर देता हूँ। बैक साइड फोटो अपलोड करने के बाद यहाँ पे आपसे कुछ भी कर जरूरत नहीं है, आपका आईडी अपलोड हो जाएगा, जो कि आप सब दे सकते हैं मेरा यहाँ पे आईडी अपलोड हो गया है। अपलोड होने के बाद यहाँ पे आपसे कुछ भी कर जरूरत नहीं है, नीचे यहाँ पे आपसे दिखाई देगा सबमिट रिक्वेस्ट, इस पर अपना क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपका जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड हो जाएगा और रिव्यू के लिए चला जाएगा, जो कि आप सब दे सकते हैं मेरा यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड हो चुका है और वेरीफाई के लिए चला भी गया है। 1 से 2 घंटे के अंदर आपके अकाउंट जो है वेरीफाई कर दिया जाएगा। अकाउंट वेरीफाई करने के बाद यहाँ पे ऐसे भी कुछ भी जो नहीं है, ऑक्टा ऐसे एप्लीकेशन जाकर डाउनलोडिंग कर लीजिएगा गूगल प्ले स्टोर से और लॉगिन कर लीजिएगा। यहाँ पे लॉगिन करना बहुत ही ईजी है, बस अपना ईमेल आईडी डाल लीजिएगा, पासवर्ड डाल लीजिएगा और आपके ईमेल पे कोड जाएगा 2 स्टेप वेरिफिकेशन कोड, अपना कोड डाल लीजिएगा और अपना लॉगिन कर लीजिएगा, जो कि आप सब देख सकते हैं मैं यहाँ पे अपना लॉगिन कर लिया हूँ। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे ऐसे भी कुछ भी जो नहीं है, आप यहाँ पे मनी डिपॉजिट कर यहाँ पे ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं ऑक्टाफेस में। तो आप समझ गए हैं
टाइम अकाउंट कैसे बना सकते हैं, अपने अकाउंट कैसे वेरीफाई कर सकते हैं, सब कुछ पूरी कंप्लीट जानकारी दे दिया हूँ। अगर आपको और भी जानकारी चाहिए कि ऑक्टा में जाकर ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं, कैसे जाकर मनी डिपाई कर सकते हैं, कैसे जाकर मनी विड्रॉ कर सकते हैं, कैसे यूज किया जाएगा, तो मेरा पिछला वीडियो जाकर देख सकते हैं, आपको आइडिया लग जाएगा ऑक्टा कैसे यूज कर सकते हैं, इसके जरिए अर्निंग कैसे कर सकते हैं। और मैं ऑक्टा का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में कॉमेंट में दे दिया हूँ, लिंक से अपना साइनअप कर सकते हैं अगर आप एक यूजर हैं, चाहे तो QR कोड स्कैन जा साइनअप कर सकते हैं अगर आप एक यूजर हैं। तो आप समझ गए, आज के लिए इतना ही। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऑल द बेस्ट।